अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। आई एम असद खान एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। हमारे शो का मकसद हमारे यूथ को इंस्पायर करना और मोटिवेट करना है। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी रिवाइवल सिनेमा, पाकिस्तान न्यू सिनेमा, पाकिस्तान इंटरनेशनल सिनेमा ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बट आई कैन गिव यू अ हिंट। खंदार ब्रेक, खुदा के लिए, ऑपरेशन 021 एंड नाउ मोर। जी हाँ, ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम क्वेटा स्कूल स्टेज एंड देन टू पीटीवी टेलीविजन स्टेशन, डिड अ लॉट ऑफ वर्क बट वेरी सिलेक्टिव वर्क, एंड देन ही मेड हिज जंप एज जो भी एक्टर का ख्वाब होता है, एक बड़ा पर्दा। बड़े सिनेमा के बहुत बड़े सितारे, बहुत बड़े स्टार आज हमारे लॉस एंजल्स के वॉइस ऑफ अमेरिका स्टूडियो में मौजूद हैं, दी मिस्टर हमीद शेख। हमीद शेख, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हमीद, आपसे मुझे 2 साल पहले मिलने का एजाज़ हासिल हुआ और बड़ी खुशी हुई जब आपसे मेरी मुलाकात हुई और जब आपका मैंने बैकग्राउंड पढ़ा और जब आपसे बात हुई। आप बलूचिस्तान से का आपका ताल्लुक है वहाँ पर, और वहाँ से बलूचिस्तान से आप हॉलीवुड इंडस्ट्री में, आप एक UCLA जो हमारा एक नामवर अदारा है वहाँ पे एक स्टूडेंट फिल्म के लिए आए थे और उसके साथ साथ आप एक्टिंग भी पढ़ रहे थे, विच वॉज वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी व्यूअर्स के फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द रीजन कम फ्रॉम दिस एंड टू स्टडी दैट क्राफ्ट हैज़ टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन। सर, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट ये पैशन, ये स्पार्क कहाँ से आया? देखिए जी, पहले तो मैं अपनी हिस्ट्री डिस्कस करता हूँ कि मैं इस जगह तक पहुँचा कैसे और ये सारा पैशन कैसे पैदा हुआ। PTV के ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पास TV सीरीज़ जितनी भी आया करती थी वो सारी या तो वेस्टर्न होती थी या ब्रिटिश होती थी, और या हॉलीवुड की मूवीज़ हम देखते थे। क्वेटा एक छोटा सा शहर है और हमारे पास जो थिएटर्स थे वो ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ को जो है वो वहाँ पर रन करते थे, और हमारी इंस्पिरेशन हमेशा से हमारे शहर के लोगों की हॉलीवुड रहा है, और हॉलीवुड जो है वो हमारा एक ख्वाब रहा है। तो मेरा भी ख्वाब था कि मैं हॉलीवुड की फिल्मों में काम करूं। मैं जो डिफरेंस फील करता था उस एक्टिंग में वो ये था कि वो बहुत नेचुरल हुआ करती थी। हॉलीवुड की जितनी मूवीज़ भी आप देखें उसमें जितने भी एक्टर्स आप देखते हैं वो बड़े नेचुरली परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको लगता नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो नेचुरली उस लाइफ में रह रहे हैं। तो वो मुझे समझ नहीं आती थी कि वो कैसे इस तरह से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कैसे इतना अच्छा लग जाते हैं, यानी वो कितना नेचुरल होता है कि पता भी नहीं चलता कि वो एक्टिंग हो रही है और एक्टिंग नहीं भी हो रही है। तो वो एक पैशन था कि यार मैं ये काम सीखूं, ये कैसे करते हैं। हमारी एक्टिंग जो है वो ज़रा डिफरेंट स्टाइल है, हम लोग ज़रा सा प्रिटेंड कर रहे होते हैं हर चीज़ को, हमारी जो है वो चीज़ जो है वो परफॉर्मेंसेज नज़र आ जाती हैं, या अगर आप किसी गोरे को हमारी परफॉर्मेंस दिखाएं तो वो एकदम बता देता है कि ये जो है वो एक्टिंग हो रही है, थोड़ी सी लाउड है। तो वो नेचुरल जो परफॉर्मेंस थी उसको मैंने अपने आप को पॉलिश करने के लिए, मुझे खुशकिस्मती से UCLA के कुछ स्टूडेंट्स ने जो कि अपना थीसिस कर रहे थे उन्होंने मुझे ऑडिशन किया स्काइप पर, और मुझे उन्होंने बुलवाया, और मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ आकर मैंने फिर बहुत सारे अच्छे टीचर्स से अपना कोचिंग की। मार्जी हैबर और एरन स्पाइंजर से मिला, मार्जी हैबर ने मुझे प्राइवेट कोचिंग की और मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। इसके अलावा अब जो है ना वो उसके अलावा जो मैंने जो वॉइस ट्रेनिंग की वो उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। अब मैंने जो 2 मूवीज़ की हैं ऑपरेशन 021 और मोर, उस ट्रेनिंग की वजह से मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स और बहुत ज़्यादा नहीं ताकतवर समझता हूँ एज अ परफॉर्मर, कि जब मैं सेट पे होता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी वॉइस की क्या क्वालिटी है, उसको मैंने कैसे यूटिलाइज़ करना है। मेरे पास करेक्टर की हिस्ट्री होती है, मैं उस लाइफ में रह रहा होता हूँ जो मैं कर रहा होता हूँ। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुझे ये आना पड़ा और मैं सीखा, और शुक्र अल्लाह का कि मैंने अपना काम भी उस सीखने के बाद प्रूव किया। हमीद भाई, आपने यहाँ पर काम सीखा और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम और सिलेक्टिव काम और बहुत बड़े बड़े नाम व डायरेक्टरों के साथ आप काम कर रहे हैं, और अभी आपसे मेरी डिस्कशन हो रही थी कि जो भी जो 2-3 प्रोडक्शन आप लोग में जिसमें लगे हुए हैं उसमें 100 से 200 से ज़ायद आपके लोग टीम होती है, और उसमें आप लोग जो मुझे जो इंस्पायर जो किया कि उसमें आपने यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा पुश किया है और वन यंग जनरेशन को इस फील्ड के ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो वो आपसे अभी क्या जो इतना आप जो सीखे यहाँ से सीख के गए हैं, क्या आप समझते हैं कि वो सीख रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल, लोग शौकिया तौर पर नहीं आ रहे हैं, लोग काम करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, और लोग रिवाइवल चाहते हैं। हमारे जो नए बच्चे, हमारे जो नए लड़की लड़कियां
जो नए इंस्टीट्यूट से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, एनसीए है, बीकन स्कूल है, बहुत सारे और हैं, नापा है एक्टिंग के हवाले से, तो बहुत सारे नए जो जनरेशन के बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं और सीखना चाहते हैं और इंटर्नशिप पे हमारे साथ काम करते हैं, तो उनको भी मौका मिल रहा है काम सीखने का और हमको, यानी मैं समझता हूँ कि जो रिवील एक नया सिनेमे का हो रहा है हमारे मुल्क में, उसमें हमको ये भी फ़ायदा है कि वो जो बच्चे हैं वो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स से आ रहे हैं, उनके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके पास जो स्टोरीज़ हैं, उनके पास जो फिल्म मेकिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत मजबूत है। हमारा जो प्रीवियस सिनेमा था वो कुछ और तरह के लोगों के पास था, लेकिन जो हमारे नई जनरेशन है ये एक बहुत ही मजबूत स्कूल ऑफ थॉट के साथ आ रहे हैं, और खुशकिस्मती है कि हमारे बहुत सारे सीनियर्स, हमारे दोस्त साथी एक नए स्कूल ऑफ थॉट के साथ, नए स्कूल ऑफ थॉट को लेकर इन बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं। मैं IDSP, एक हमारा इदारा है NGO, उसको क्रेडिट दूंगा कि उसने बहुत सारे बच्चों को रूरल एरिया से लेकर आए हैं और उनको बाकायदा ग्रूम कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, कराची में बुलवाते हैं उनको, स्पेशली बलूचिस्तान से हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें जो हमारे रीजनल एरियाज़ हैं जिसमें बलोची, पश्तो और बिरावी लैंग्वेज के बच्चे हैं, वो आते हैं और वो ट्रेनिंग करते हैं, जिससे हमको ये फ़ायदा होगा कि हमारे बहुत सारे नए जो यंग फिल्म मेकर्स हैं वो तो एक तो इस मार्केट में मर्ज हो जाएंगे, प्लस आपको शेड मिलेंगे, स्टोरीज हैं हमारे एरियाज में बहुत से थाउजेंड्स के हिसाब से, जनरली मतलब एक इंस्टीट्यूट जो है वो देखने में आ रहा है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इंस्टीट्यूट तो है ही है प्लस हमारे पास एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इंडस्ट्री में आपके पास हर तरह के लोग होने चाहिए, आपको सारे कलर्स मिलते हैं। अच्छा सर, आप जो हैं यू नो आपका करियर एक्टिंग से स्टार्ट हुआ और आप प्रोडक्शन में भी आ गए, इसकी कोई खास वजह? मैं शुरू से, मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं अपनी कहानी को अपने अल्फाज में बयान करूं, यानी वो एक ख्वाहिश रही इसलिए क्योंकि मैं जो भी अपना काम मैंने प्रीवियसली किया TV के लिए वो TV की अपनी एक मर्जी से होता है, TV का एक अपना पैटर्न है, लेकिन जो हॉलीवुड ने मुझे मुतासिर किया वो हम अपने उस TV पे काम यानी उस तरह से तो कर नहीं सकते थे, तो एक ख्वाहिश रही कि यार किसी तरह से मैं इसको इस तरह से शूट कर लूँ और इसमें इस तरह से हो, वो म्यूज़िक इस तरह का हो और एक्टिंग इस तरह की हो और शॉट ऐसा हो, यानी वो सारी चीज़ें जो है सारी ज़िंदगी दिमाग में चलती रहती हैं क्योंकि बंदे की इंस्पिरेशन होती, तो जब अल्लाह मौका दे तो एक ख्वाहिश थी और शुक्र अल्लाह का कि एक छोटी सी कंपनी बनाई कोई 20-25 साल पहले, पीनट्स इंडिपेंडेंट फिल्म्स, उसके तवस्त से मूफली जी आज़ाद फिल्म, मूफली आज़ाद फिल्म, इसलिए क्योंकि वी आर इन लो बजट, हम छोटी सी इंडस्ट्री है, अब डेवलप हो रही है, शुक्र है अल्लाह का कि इस वक्त हम किसी जगह पर पहुँच रहे हैं और कोई शक नहीं है कि विद इन 3 to 5 years हम अपना हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो इस मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर जो है ना वो लेगी। सर हमारी अभी जो आप जो इंडस्ट्री जो माशाल्लाह जो शुरू हुई है जिसमें माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिल्में आ रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री क्या आपके सामने ग्रो वाकई में कर पाएगी 10 फिल्में 20 फिल्मों के बाद, फिर जिस तरह जो लॉलीवुड जो काफ़ी अर्से से शुरू हुई है फिर बंद हो गई, वाकई में जिस टाइम वी सी the proper industry that we've been waiting for? जी बिल्कुल, मैं 100% जो है इस पर श्योर हूँ कि हमारी इंडस्ट्री इंशाल्लाह बिल्कुल रिवील होगा इसका और हम बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाएंगे, मैं कोई ज़्यादा टाइम फ्रेम भी नहीं दूंगा आपको, 3 to 5 years। उसकी वजह यह है कि हम वी आर जस्ट लुकिंग फॉर दी मार्केट, हमारे पास जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई इंटरनेशनल मार्केट नहीं, यानी हमारा व्यूअर जो है ना अब बहुत बड़ा शेयर जो मार्केट का हम शेयर होल्डर हैं, अगर आप इंडियन फिल्म को देखें तो उसका 200 करोड़ रुपए का एक वो रिवेन्यू जनरेट करती है या लेती है, मार्केट से उठाती है, तो उसमें मोर देन 40 to 50 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमारे पाकिस्तानी व्यूवर्स होते हैं जो उनको देते हैं इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो हमारी फिल्म अगर उस 40-50 करोड़ रुपए को उठा लेती है, यानी हम बींग पाकिस्तानी मैं यही कहूँगा कि हमारे लोग अगर हमारी फिल्में देखना शुरू करते हैं तो वो 40-50 करोड़ रुपए तो हमारे पास आएंगे, वो 40-50 करोड़ रुपए दोबारा हमारी इंडस्ट्री में जाकर मर्ज होंगे और बहुत सारी नई फिल्में बनेंगी। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा आपके चैनल के तवस्त से कि जितने मेरे व्यूवर्स किसी भी मुल्क में बैठे हुए आप पाकिस्तानी फिल्म ज़रूर देखें, कोई भी पाकिस्तानी फिल्म, मैं अपनी फिल्म की बात नहीं करूंगा, कोई भी पाकिस्तानी फिल्म देखें ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, हमारे लोग और ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ सिर्फ पैसा नहीं है, हमारे बच्चे आए, हमारे लोग आए, इन्वॉल्व हों इस फील्ड में, और मैं और लोगों को ये भी, अपने दोस्तों को ये भी कहूंगा कि इंटरनेशनली जहाँ जिस मुल्क में भी आप हैं हमारी फिल्म को प्रमोट करें, अपनी फिल्म को, और अपने दोस्तों को लेकर जाएं और वो इस काबिल हैं हमारी फिल्में कि आप अपने साथियों को जिस भी मुल्क में हो, अमेरिका में हो, UK में हो, जर्मनी में हो, अपने उन साथियों को भी दिखाएं, अपने उन फॉरनर्स को भी दिखाएं कि वो भी आपको बता सकें कि हम किस लेवल पे पहुंचे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप O2 दिखाएंगे या मोर दिखाएंगे तो मैं, ये मेरी फिल्में हैं, मैं ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इतना एतमाद है कि वो आप किसी भी इंटरनेशनल व्यूअर के साथ बैठ के देख सकते हैं और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा।
شاز خان کی آپ نے بات کی، میرے خیال میں مور میں وہ آپ کے بیٹے بنے ہیں، اینڈ آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو آلسو میٹ ود ہیم از ویل، اینڈ وٹ آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ شاز خان، شاز خان ہیز ایکچولی از فرام دس پارٹ آف دا ورلڈ، اینڈ واز ویری یو نو انسپائرنگ فار می ٹو سی دیٹ ہی ہیز این ایم ایف اے، یو نو سر ماسٹر ڈگری ہے ماشاء اللہ اس کی اس فیلڈ میں، اینڈ دین ہی وینٹ فرام دس پارٹ آف دا ورلڈ ٹو دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ ایز این ایکٹر. جب اس طرح کے ایکٹر جو جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے سر، ایک یہاں کا تھوڑا سا سسٹم تھوڑا سا الگ ہے، جب وہ پاکستان میں آیا یو نو تو اس کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی، اور آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی کیا یو نو، اور آپ لوگوں کو کیا سیکھنے کا موقع ملا، اور واز اٹ اے ہرڈل اور چیلنج، واز اٹ فار ہم ٹو فار ہم ٹو یو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ فار یو ٹو ہم ٹو انڈرسٹینڈ؟ جی ہمیں کچھ زیادہ تو نہیں کوئی تکلیف ہوئی، یہی کہ تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑا سا وہی اسٹائلنگ کی بات تھی، اس وقت میں ٹرینڈ بھی نہیں تھا، میں یہاں آیا بھی نہیں تھا، تو ذرا سا ایکٹنگ کے حوالے سے یہ تھا کہ ہمارے ذرا سے جو لیولز تھے وہ اوپر نیچے تھے، جو کہ بیلنس ہو گئے بہت جلدی، کہ ہماری انسپریشن جیسے نے بتایا کہ ویسٹرن ٹی وی یا ویسٹرن فلم سے تھی، تو بہت جلدی ہم نے بیلنس کر لیا اور ہم نے اس کے ساتھ میچ کیا، اور ہی از ویری گڈ ایکٹر، وہ جتنا یعنی اس کا ایکسپیرینس ہے چھوٹا سا، لیکن یہ کہ جو جہاں سے اس کی ٹریننگ ہوئی ہے ایکٹنگ اسکول سے یا اس کی ایفیلیشن جیسے کہ ایکٹنگ اسٹوڈیو سے رہی ہے، تو بہت اچھا ہے، اس نے پرفارم کیا اور اس کی بہت خوبصورت پریزنس ہے اسکرین پہ، ہی لکس لائک رابرٹ ڈی نیرو اینڈ شان پین ان بٹوین سم تھنگ، اینڈ ہی از ویری گڈ، آئی مین آئی لوڈ ورکنگ ود ہم. سر آپ امریکہ کسی خاص مقصد سے آئے ہیں، اور مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے، آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی، آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی، کہ دیر سمبری فرام دس پارٹ آف دا ورلڈ ایکچولی ہیو ٹیکن انیشیٹو ٹو سپورٹ دا پاکستانی فلم، اینڈ ہیز پرسنلی انوائٹیڈ یو فار ڈفرنٹ پروجیکٹس اور دا پروجیکٹس دیٹ یو گیز آر کرنٹلی ورکنگ آن. ٹیل می ا لٹل بٹ اباؤٹ دس، بیکاز فار می اٹس آئی تھنک فار اس is good to see ke this part of the world is taking interest, and I think this gentleman this Dr. Saab has جی proven. بتائیں میں یہاں پر ڈاکٹر مشہود قادری صاحب کے انویٹیشن پہ آیا ہوں، انہوں نے ایک بہت اچھا اسکرپٹ مجھے بھیجا، میں پہلے تو ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب ان کا اسکرپٹ میرے پاس آیا تو وہ بہت ہی مضبوط لکھا ہوا اور بہت اچھی اسٹوری، اور اسپیشلی ہمارے علاقے کے حوالے سے اور ہمارے زبان کے حوالے سے، تو بہت مجھے اس نے ٹچ کیا. ان سے بات ہوئی فون پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی اب آئیں، اور یہ پہلا اسٹیپ تھا. میرا خیال ہے کہ میں جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ہم کو جوائنٹ وینچرز کرنے چاہئیں، تو انہوں نے مجھے ٹکٹ بھیجا اور میں یہاں پہنچ گیا. 3-4 days آئی ہیو ٹو گو بیک، آئی مین آئی ہیو ٹو میٹ ہم ان فینکس، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اسکرپٹ ہم پاکستان میں کرتے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ فلم ان شاء اللہ. مشہود قادری صاحب کا لکھا ہوا اسکرپٹ ہے، ہی از اے ویری گڈ رائٹر، ڈاکٹر ہیں، رائٹر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح کے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے اس فیلڈ میں، تاکہ ہماری انڈسٹری کو تھوڑا سا ایک مورل سپورٹ ملے. ایک لوگ پیسے تو لے کر آ جاتے ہیں، لوگ ہر طرح کے لوگ پیسے لے کر آ جاتے ہیں کہ جی ہم فلم بنانا چاہتے ہیں، لیکن جتنے پڑھے لکھے لوگ ہماری انڈسٹری میں آئیں گے، وہی دوبارہ میں وہی بات کروں گا کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہماری انڈسٹری میں آئیں گے، دوبارہ میں وہی بات کروں گا کہ جتنا انٹلیکچوئل ایک بندہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اتنی ہماری انڈسٹری کو ایک مضبوط اسکول آف تھاٹ ملے گا، اور وہی ہم ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں، اور وہی اپنا نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری انڈسٹری کا اپنا ایک اپنی ایک سے ہو، اپنی ایک زبان ہو، اپنا ایک اسٹائل ہو، اور ہماری انڈسٹری کو اس طرح سے پہچانا جائے جیسے ایرانی انڈسٹری کو پہچانا جاتا ہے، یا جیسے آپ یورپین فلم کو دیکھتے ہیں، یا جیسے ہالی ووڈ کی فلم کو دیکھتے ہیں. حمید بھائی، کوئی پیغام ہماری اسپیشل یوتھ کو، ہماری ینگ جنریشن کو، ہمارے پاکستانیوں کو جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں، وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، what would you like to say to them? سب سے پہلے جی، یہ ہمارے ملک میں تو اس انڈسٹری کا نیا نیا ریویل ہو رہا ہے، یہ اب اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 2-3 سال 4 سال 5 سال، لیکن انشاءاللہ یہ کھڑی ہو جائے گی اپنی جگہ پر. میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ڈیسیجن لینا ہے تو یہی موقع ہے، ہم گرو کر رہے ہیں، ہم ایک نئی انڈسٹری کو بلڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، امریکہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ہمارے ساتھ آ کر کام کریں، ہمارے سے سیکھیں یا ہمیں سکھائیں. کیونکہ اگر آپ لوگ امریکہ سے پڑھ کر آ رہے ہیں یا یو کے سے آ رہے ہیں یا کسی بھی اور ملک سے آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو ٹریننگ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے بہت سارے ٹیکنیشینس ابھی تک پیچھے ہیں. اگر آپ وہ ٹیکنالوجی پلس اپنی ٹریننگ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، تو اس کو ہم ملا کر ایک بہت اچھی فلم بنا سکتے ہیں، اور
हमारे मुल्क में चीज़ें बहुत आपको सस्ते में मिल जाती हैं, बहुत छोटे बजट में हम बहुत अच्छी फिल्में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बिलियन डॉलर की फिल्म बनाएं, हम 100,000 से भी फिल्म बना सकते हैं और बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि जितने जवान, जितने लड़के लड़कियाँ किसी भी मुल्क में हों, वो आएँ हमसे कोलेबरेट करें, हमसे हमारे साथ काम करें, जॉइंट वेंचर्स करें। मेरे फेसबुक पेज आप लोगों के सामने है, किसी 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 भी साथी को, किसी भी दोस्त को, किसी भी बच्चे को अगर मुझसे कुछ पूछना हो या कुछ करना हो हमारे मुल्क में आकर करना हो, या किसी भी बच्चे को हमारे मुल्क में आकर करना हो, तो वो सिंपली मुझे एक टेक्स्ट मैसेज करे या मैसेज करे फेसबुक पे, मैसेंजर पे, किसी भी जगह पर। मैं उसके लिए तैयार हूँ, हाजिर खड़ा हूँ। स्पेशली अगर वो मेरे शहर में आकर करता है और हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में करता है, बिरावी पश्तो या हज़ारगी या बलोची, तो मैं उसके साथ हूँ। मैं उसके लिए फ्री तक काम करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। शर्त यह है कि उसके पास एक मजबूत स्क्रिप्ट हो, एक अच्छी कहानी सुनाने का जनाब वो सारा गोर आता हो। आपने बातें सुनी हमारे वेल नोन, वेल रिनाउन्ड प्रोड्यूसर की, एक्टर की, मिस्टर हमीद शेख। इट हैज़ बीन ट्रूली ऑनर एंड आई हैव लर्न्ड अ लॉट एंड आई बीन लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हिम। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड लिटिल बिट ऑफ टाइम विद हिम एंड आई थिंक इसमें मैसेज ये है कि हमारी और या बॉलीवुड की फिल्म अगर 200 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो उसमें से 40 करोड़ और 50 करोड़ जो बिजनेस जो है वो हम पाकिस्तानी इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दे रहे हैं, जो कि ये हमारा शेयर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का शेयर है। इस पे सोचें, इस पे गौर करें और इसी थॉट के साथ असद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।